वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ किचन टिप्स जो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हैं और किचन के काम को काफ़ी इजी बना देती हैं। चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। हमारी किचन सीज़र होती है, जो ये जब हम काफ़ी यूज़ करते हैं इसको तो ये शार्प नहीं रहती, तो कुछ भी काटने में हमें प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये अपना स्टील का स्क्रबर जो हमारी किचन में इजीली अवेलेबल होता है। इसके ऊपर हम अपनी कैंची को चलाएंगे, 7-8 बार हम करेंगे इसको तो हमारी कैंची के जो ब्लेड हैं वो शार्प हो जाएंगे। अब चलते हैं सेकंड टिप पे। जैसे हम दूध किसी भी बर्तन या पतीले में गर्म करते हैं तो इसके नीचे काफ़ी दूध या मलाई सी जम जाती है, ये ऐसा ना हो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैवी बॉटम का बर्तन और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे दूध को बॉयल करने से पहले। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब हम इसमें दूध डालेंगे और बॉयल करेंगे। अब हमारा दूध बिल्कुल भी उसके बेस पे, बर्तन के बेस पे चिपकेगा नहीं, जमेगी नहीं बिल्कुल मलाई। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे हमारा दूध गर्म हो रहा है और हमारे पास कई बार हम और काम भी कर रहे होते हैं किचन में, ध्यान नहीं रहता कि दूध बर्तन में से बाहर ना निकले उबल के, उसके ऊपर हम रख देंगे एक लैडल, जो भी हमारे पास कड़छी हो उसको रख देंगे तो हमारा दूध बॉयल तो होता रहेगा बट हमारे पतीले से या बर्तन में से बाहर उबल के गैस पे या बर्नर पे नहीं गिरेगा। हमने दूध को आंच को सिम कर दिया, थोड़ा सा उबाला स्लो करके बिल्कुल आंच को, ताकि उसके ऊपर मलाई की लेयर जम जाए। नेक्स्ट टिप है हमारी, जैसे हमारे दूध के पतीले के नीचे मलाई या दूध जम जाता है बॉयल करने के बाद, तो उसको हम वेस्ट ना करें, इसके लिए हम इसमें आटा गूंद सकते हैं। मैं आटा गूंद रही हूँ, इससे हमारी सारी जितनी भी दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू है वेस्ट नहीं होगी, ना तो मलाई वेस्ट जाएगी ना ही जो दूध तले पे हमारे लग जाता है वो भी नहीं वेस्ट होगा। अगर आपने सॉफ्ट पूड़ियाँ बनानी हो तो आप दूध में भी आटा गूंद सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पानी से ही आटा गूंद रही हूँ। हमारा पतीला भी दूध का बर्तन भी साफ़ हो जाएगा और आटा भी गूंद जाएगा उसी में। देखो हमारी सारा बर्तन आटा गूंदने के बाद पूरी मलाई दूध जितना भी था सारा हमारा आटे के अंदर ही यूटिलाइज हो गया और पतीला भी हमारा क्लीन हो गया। साफ़ करना भी इसे इजी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।